एक बार सब लोग दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, वंदे, आई लव यू टू। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आज सब लोग यहां आए हैं, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमें सुनने के लिए आप राजस्थान के कोने कोने से आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे, हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी, आपकी तो ये पहली जनसभा है, जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है। तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, उसकी बात करेंगे सारी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, सवा साल हुआ है बस, अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल
राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा, क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलके कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलके राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को। मेरे को पता है आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं एक एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा, कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है, दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। आज राजस्थान में 18.5 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं, ये तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। मेरा दिल कहता है, मेरा एस्टीमेट है कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार हैं। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने, उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने, कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां देके आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है। भगवंत मान ने पिछले 1 साल में 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए रोज। हाँ मैं आ रहा हूं, पेपर लीक उसकी भी चर्चा करूंगा, चिंता ना करो, दोनों पार्टियां मिलके करती है मेरे को पता है। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर ना दवाई ना मशीन ना एक्सरे, कुछ नहीं है, और प्राइवेट में चले जाओ। कल मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, उसका बेटा गिर गया, यहां पे चोट लग गई माथे पे, किसी और राज्य में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, कहीं और रहता है। वो एक बड़े अस्पताल में गया टांके लगवाने, 4 टांके लगने थे, उस बड़े अस्पताल वालों ने 2.25 लाख रुपए का बिल बना दिया, 4 टांके लगाने हैं, 4 टांके। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना, आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए लुट जाता है, पूरा घर लुट जाता है उसका। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है,
दवाई मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारे दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड बना दिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छे कर दिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। अब आपको चाहे 10 रुपए की टेबलेट लेनी है वो भी मुफ्त, और 10 लाख रुपए का इलाज कराना है वो भी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। अभी मैंने सुना है गहलोत साहब ने इंश्योरेंस चालू कराया, कराए कि नहीं कराए? इंश्योरेंस चालू कराए हैं जी? इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब अस्पताल में एडमिट होगे तब मिलेगा। मैं ये सोच रहा था अस्पताल में एडमिट तो कभी बहुत सीरियस, भगवान ना करे बहुत सीरियस बीमारी होती है तब होता है आदमी, बाकी आदमी की जिंदगी में बुखार, खांसी, छोटी छोटी बीमारियां लगी रहते, डायबिटीज। मैं ही पिछले 8 साल से अभी तक एक बार भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो मैं कई बार गया, इतनी दवाइयां लेनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस किस काम का आया जी? आपकी जिंदगी में रोज कभी बच्चे को कुछ हो गया, कभी बीवी को कुछ हो गया, कभी माँ को कुछ हो गया, बुढ़ापे में कुछ हो गया, उसमें तो काम नहीं आया। दिल्ली में हमने ये इंश्योरेंस का झुंझुना नहीं दिया, दिल्ली में सब कुछ मुफ्त है, दवाई भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अस्पताल में जाओ, सब कुछ मुफ्त है। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मुझे वोट दो, राजस्थान के गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा, पूरे राजस्थान में शानदार अस्पताल बनवा दूंगा। और यह झूठा वादा नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं, पंजाब में कर रहे हैं, अगला नंबर राजस्थान का है। देखो जी, नीयत अगर साफ हो, काम करने का मन हो, तो आदमी टाइम थोड़ी देखता है। 5 साल से गहलोत साहब ने कोई काम नहीं करा, अब अभी इन्होंने झुंझुने देने चालू करे। हमारी तो अभी सरकार भी नहीं बनी राजस्थान में, हमने तो आपके लिए काम करना भी शुरू कर दिया। भगवंत मान साहब अभी अभी कह के गए हैं, यहां पे जो पानी आता है बुड्ढा नाला का पानी गंदा आता है। उसके पहले पंजाब में कितनी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, अकाली दल की भी, बीजेपी की भी सरकार रही, किसी ने आपकी नहीं सुनी। हमारी अभी सरकार भी नहीं बनी, हमने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। अभी अभी ऐलान करके गए हैं बुड्ढा नाला पे काम शुरू हो गया, 600 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, अगले 6 महीने के अंदर आपको यहां पे साफ पानी आना शुरू हो जाएगा। इन्होंने, दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा, कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। अभी अभी पंजाब में 30,000 नौकरियां दी हैं, एक नया पैसा नहीं लिया किसी ने, मेरिट के आधार के ऊपर सारी नौकरियां दी। क्यों? मुख्यमंत्री अगर ईमानदार होगा, पार्टी अगर ईमानदार होगी, मंत्री अगर ईमानदार होंगे, तो मजाल कोई अफसर पैसे ले ले? वही अफसर हैं, वही सारा तामझाम, वही सिस्टम है। अब ईमानदार सरकार आ गई, सारी नौकरियां ईमानदारी से दी जा रही हैं। यहां पे इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, और दोनों मिलके करते हैं। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो, गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई, पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई,
और जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई, तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है, अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है इनको वोट दे देना, अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इनसे एक पेपर नहीं होते, पेपर लीक कर दिए इन लोगों ने, बता रहे जब से गहलोत साहब बने हैं 14 पेपर लीक हो चुके, 14 पेपर, और पिछले 10 साल में 26 पेपर लीक हो चुके, और पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में एक एक पेपर बिकता है। ये पेपर बिकता नहीं है, ये आपके बच्चों का भविष्य बिकता है। ऐसा क्यों है दिल्ली में, अभी तक दिल्ली में हमारी 8 साल हो गए सरकार चलाते चलाते, 8 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 1.5 साल हो गए, पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ करते थे, 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में पेपर लीक क्यों होते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं दोस्तों। आज राजस्थान के ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, कहां गया सारा पैसा? आपसे पूछना चाहता हूं, कोई काम करा इन्होंने? कोई काम नहीं करा, कोई स्कूल नहीं बनवाया, कोई सड़क नहीं, सारा पैसा खा गए, 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया राजस्थान पे। अभी अभी इन्होंने 1 अप्रैल से बिजली फ्री करी है, 100 यूनिट बिजली फ्री करी है कि नहीं करी? 100 यूनिट बिजली फ्री करी है दिल्ली की, देखा देखी। लेकिन जब आप नकल करते हो तो आपकी नीयत खराब होती है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, लेकिन दिल्ली में बिजली आती भी है तब मुफ्त है, राजस्थान में बिजली नहीं आती, बस मुफ्त है बिजली। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैंने सुना है 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लगता है, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आती। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, और मुफ्त बिजली आती है। और ये झुंझुना दिया है इन्होंने गहलोत साहब ने, 4.5 साल क्यों नहीं करा इन्होंने, अभी क्यों करा इन्होंने? चुनाव आ रहे हैं, वोट चाहिए, जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे कह देंगे गहलोत साहब बजट घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है, और ये मुफ्त बिजली खत्म कर देंगे। दिल्ली में 8 साल से बिजली मुफ्त है, पंजाब में 1.5 साल से बिजली मुफ्त है, आम आदमी पार्टी की वोट दो, आपकी बिजली मुफ्त भी रहेगी, और 100 यूनिट नहीं 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त आया करेगी। आज राजस्थान को भगवान ने सब कुछ दिया है, इतने मिनरल्स दिए हैं, तांबा दिया है, जिंक दिया है, लिग्नाइट दिया है, पत्थर दिया, चूना दिया, इतने मिनरल्स दिए, इतने सारा सब कुछ दिया, लेकिन इन पार्टियों ने लूट के राजस्थान को खोखला कर दिया दोस्तों। अगर हम सारे जने मिल जाएं तो राजस्थान को एक बहुत ही संपन्न राज्य बना सकते हैं। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में हम लोगों ने इतने काम करे, शिक्षा ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, इतने काम करे। मैं कई बार सोचता हूं 75 साल में इन सारी पार्टियों ने मिलकर क्या करा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 75 साल में 2 ही पार्टियों ने राज करा देश के ऊपर, बीजेपी ने और कांग्रेस ने। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज हमारे देश की जो हालत है इन दोनों पार्टियों की वजह से है। आज हमारा देश गरीब है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारा देश पिछड़ा है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। आज हमारे देश में लोग अनपढ़ हैं, क्यों? सड़कें खराब है, क्यों?
स्कूल खराब है, शिक्षा खराब है, अस्पताल खराब है, क्यों? इन दोनों पार्टियों की वजह से। अब टाइम आ गया पूछने का, इन दोनों पार्टियों से आपके घर वोट मांगने आए तो पूछना इन पार्टियों से कि 75 साल में तुम लोगों ने इस देश में क्या करा? कुछ नहीं करा। आज उम्मीद खत्म हो गई है लोगों को कि कुछ हो सकता है। किसी से भी पूछ लो, लोग कहते हैं अरे राजनीति में कुछ नहीं रखा, सारे चोर हैं, सारी पार्टियां चोर हैं, सारे नेता चोर हैं। जनता को सरकारों से उम्मीद खत्म हो गई है, जनता को पार्टियों से उम्मीद खत्म हो गई है। आज 75 साल के बाद एक ऐसी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जिसने लोगों के अंदर दोबारा एक उम्मीद जगाई है। आज 75 साल के बाद इस देश के अंदर एक ऐसा शख्स आया जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चालू की। गरीबों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, गरीब कहते थे गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। एक ऐसा शख्स आया मनीष सिसोदिया, जिसने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चालू की। दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे वकील बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को भी जेल भेज दिया। क्यों भेज दिया? कहते हैं मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार करा। मनीष सिसोदिया सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करने निकलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी सवेरे 6 बजे उठ के स्कूलों का दौरा करता है? ये नहीं चाहते, दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। ऊपर वाले ने एक आदमी भेजा था मनीष सिसोदिया, इन्होंने उसको भी जेल में भेज दिया दोस्त। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के चेले हैं। ये चाहे तो सबको जेल में भेज दे, मेरे को भी जेल में भेज दे, भगवंत को भी जेल में भेज दे, ये क्रांति रुकने वाले नहीं है दोस्तों। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, मैं भारत मां को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूं। मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए। युवाओं के साथ मिलके, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलके इन पार्टियों ने लूट लिया। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को, देश के 140 करोड़ लोग मिलके हम भारत को नंबर वन देश बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और मेरे पास प्लान है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, IRS हूं, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, ये अनपढ़ है। इनकी डिग्री फर्जी है, इनकी डिग्री फर्जी है, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरे पास पूरा प्लान है, 10 साल के अंदर हम भारतवर्ष को दुनिया का नंबर वन देश बना सकते हैं। 10 साल में मेरे पास प्लान है, 10 साल में हम इस देश से हर अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं। 10 साल के अंदर इस देश से हम गरीबी दूर कर सकते हैं, मेरे पास प्लान है। मेरे को याद है जब मैं छोटा बच्चा था, आप भी जब छोटे थे, 3 तरह के देश होते हैं। एक होते हैं गरीब देश, अविकसित देश, अंडर डेवलप्ड देश। एक होते हैं विकासशील देश, जो विकसित बन रहे हैं अभी। और एक होते हैं विकसित देश, अमीर देश, विकसित देश। भारत विकासशील देश में गिना जाता है। जब मैं छोटा बच्चा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब ये कहते थे भारत विकासशील देश है, 20 साल में भारत विकसित देश बन जाएगा। आज भी ये कहते हैं, मैंने मोदी जी का भाषण सुना, कहते 2047 में भारत विकसित देश बन जाए। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? कोई प्लान नहीं इनके पास, कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, कोई इनके कैसे माने भारत विकसित देश बन जाएगा?
झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। आज भारत सरकार अनपढ़ लोग चला रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं है। 6 साल पहले बोले 2000 का नोट लाओ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आज कह रहे हैं 2000 का नोट हटाओ तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक दिन बोले नोटबंदी कर देते हैं, भाई साहब जब नोटबंदी करी थी पूरा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने, कोई उसका फायदा नहीं हुआ, 20 साल पीछे चला गया देश, 20 साल पीछे चला गया देश। आज अगर पढ़े लिखे होते केंद्र सरकार के अंदर कभी नोटबंदी नहीं करते, कभी किसानों के कानून नहीं लेके आते ये। अगली बार वोट डालने जाओ भाई साहब एक काम तो करना, पढ़े लिखों को वोट देना, अनपढ़ लोगों को फर्जी डिग्री वालों को वोट मत देना। हमने काम करके दिखाया है, आज लोग हमारे पे क्यों भरोसा करते हैं, हमने काम करके दिखाया है। दिल्ली में काम करके दिखाया, पंजाब में काम करके दिखाया। आज दिल्ली में पहले 67 सीट मिली, फिर 62 सीट मिली, पंजाब में 117 में से 92 सीट मिली। भाई साहब हमने दिल्ली के लोगों का दिल जीता है, पंजाब के लोगों का दिल जीता है। 50 साल कम से कम आम आदमी पार्टी को कोई नहीं ला सकता दिल्ली और पंजाब से। और राजस्थान वालों एक बार मौका देके देखो, आपका भी ऐसा दिल जीतेंगे। 50 साल उसके बाद आप गहलोत को भी भूल जाओगे, वसुंधरा राजे को भी भूल जाओगे। आज मैं हर मां से, हर बेटी से, हर बहन से, हर महिला से अपील करना चाहता हूं, अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अगर आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, अगर आप अपने बच्चों को रोजगार देना चाहती हो, केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, केजरीवाल को वोट दे देना। आज मैं हर युवा से अपील करना चाहता हूं, अगर आप भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहते हो, आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अगर आप भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनके पास चले जाना, वो नहीं आती मेरे को, मेरे को काम करना आता है। और मेरा एक ही सपना है, भारत को नंबर वन देश बनाना है। और दोस्तों अंत में मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी हुई है? चौथी पास राजा, ये एक महान देश की कहानी है, एक बहुत महान देश था, सदियों साल पुराना देश, और कैसे वहां एक अनपढ़ राजा आ गया और उस अनपढ़ राजा ने उस देश को कतई बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। ये कहानी ये दिखाती है कि किस तरह से ये बहुत जरूरी है कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश को बर्बाद कर देता है। एक महान देश के गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, बहुत गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, गांव में ज्योतिषी होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है। ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आके मां को बोला, माई तेरे बेटे की कुंडली दिखा रही है, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, माई बोली मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा बेटा कैसे सम्राट बनेगा, पर कुंडली में तो लिखा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल था। बच्चे का मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई में। चौथी क्लास के बाद बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी गांव के पास एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, तो गांव घर में बहुत गरीबी थी, गरीबी की वजह से घर में गुजारा नहीं होता था, तो बच्चा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। समझ गए? समझ गए?
तो बेटा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था, भाषण बड़े अच्छा देता था, वो बचपन से ही उसमें उसको भाषण देने की लत थी। गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता और खूब भाषण देता, एक बार शुरू होता तो बंद ही नहीं करता, और किसी टॉपिक पे बुलवा लो, खूब फेंकता, लंबी लंबी फेंकता, वो बचपन से ही फेंकता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी, बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था, कुछ आता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, तो अफसर उसके पास फाइल लेके आते, जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अब वो अफसरों से कह नहीं सकता मेरे को कुछ नहीं आता, शर्म आती थी उसको। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते, जो मर्जी साइन करा के, उल्टा सीधा सब कुछ साइन कर देता था वो बेवकूफ राजा, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया राजा अनपढ़। राजा को बड़ा बुरा लगा कि लोग मेरे को अनपढ़ कहते हैं। तो एक दिन राजा ने किसी को कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं, जनता को तो सच्चाई पता थी, जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया, इतना अहंकार, लोग आते अनपढ़ था कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, और राजा अहंकार में डूबने लग गया, अहंकार में डूबा। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी, भाई साहब उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया, लंबी लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई, कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले, जी ये किसानों के 3 कानून बना दो, इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बना, पूरे देश में किसान खड़े हो गए, उसके आंदोलन हो गया, 750 किसान मारे गए। एक साल के बाद उस राजा को 3 कानून वापस लेने पड़े। एक दिन उस देश के अंदर महामारी फैल गई, बड़ी कठोर महामारी, लोग मरने लगे। किसी ज्योतिषी ने आके उस राजा को बोल दिया, थालिया थाली और चम्मच बजवाओ। उस राजा ने सारे देश को थाली चम्मच बजवा दी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने पूरे देश में गदर मचा दिया, उसके दोस्तों ने इतना भ्रष्टाचार, उसके दोस्त लोगों को लूटने लगे, पीटने लगे, बलात्कार करने लगे। उसके एक दोस्त ने तो इतना गंदा काम करा, उस महान देश की कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके दोस्त ने उन खिलाड़ियों के साथ गंदा काम कर दिया। लेकिन दोस्त, वो राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त था, पूरे देश में हाहाकार फैल गया, महंगाई फैल गई, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ गुंडागर्दी, लूटमार, ऊपर आसमान से सारे देवता देख रहे थे कि ये पृथ्वी पे क्या चल रहा है, इतना खराब टाइम चल रहा है। सारे देवताओं ने मीटिंग करी और सारे देवता मिलके शिवजी महाराज के पास गए।
शिवजी महाराज जी को बोले, प्रभु कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अपराध हो गया, पापी पाप चारों तरफ। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक दिन पूरे देश के ऊपर भविष्यवाणी हुई। शिव जी ने कहा, जनता को कहा कि आप सब लोग महान देश के लोग हो, क्यों सोए हुए हो, सब लोग जागो, उठो और इसे अहंकारी राजा का राजपाट उठा के फेंको। और एक दिन सारे देश की जनता खड़ी हो गई। एक दिन उस महान देश की सारी जनता खड़ी हो गई। देश तो महान था, जनता भी महान थी, लेकिन जनता सोई हुई थी। जनता को भगवान शिव ने जागृत कर दिया, सारी जनता खड़ी हो गई और उस अहंकारी भ्रष्टाचारी चौथी पास राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, कभी भी अनपढ़ राजा को वोट मत देना, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, फर्जी डिग्री वाले को वोट मत देना। और राजस्थान में एक मौका दो आम आदमी पार्टी को, आपको यकीन दिलाता हूं अगले 50 साल आप सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की।